हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी की जो अभी गाइडलाइन आई है उसके बारे में हम पूरे उनके पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट है, काफ़ी बच्चे बहुत कन्फ्यूज हैं, उन सबके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि गाइडलाइन में क्या कहा है, ठीक है। खासकर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। सब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम तो प्रमोट हो गए, बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले गाइडलाइन को समझ लीजिए कि गाइडलाइन ने क्या कहा है और यूनिवर्सिटी को क्या बोला है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी उसका क्या रिप्लाई देगी और यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेगी, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सबको समझ में आ जाए और रूमर्स पर विश्वास ना करें, ठीक है। पहले गाइडलाइन को पूरा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं कि यूजीसी ने क्या गाइडलाइंस दी है एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी जुलाई 2021 में, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस दी है उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आप लोगों को आसानी समझ में आएगा। गाइज वीडियो को पूरा देख लेना, गाइज मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बनाए हैं और इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट रहेंगे नहीं, फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम जो गाइडलाइंस आई है उससे पहले हम लास्ट ईयर गाइडलाइंस की बात करते हैं गाइस कि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, ठीक है। लास्ट ईयर में भी ऐसा ही हुआ था कि कोविड-19 की वजह से आपके एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे और फाइनल ईयर एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो यूजीसी ने लास्ट ईयर भी गाइडलाइंस निकाली थी, जिस गाइडलाइंस में यूजीसी ने कहा था कि भैया फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम कंपलसरी है, उनके एग्जाम आपको कराने पड़ेंगे, आप पेन पेपर मोड में कराओ, ऑनलाइन मोड में कराओ, या फिर दोनों मोड में भी करा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, ठीक है। ऐसे ही हुआ था लास्ट ईयर, फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट किए थे और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के बारे में यूजीसी ने बोला था कि भाई आप फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस दी थी, लेकिन जो प्रमोशन वाली गाइडलाइंस थी वो लास्ट ईयर भी एडवाइजरी गाइडलाइंस थी, कंपल्सरी नहीं थी गाइस। यूजीसी ने कंपल्सरी नहीं बोला था कि आपको प्रमोट करने ही पड़ेंगे, यूजीसी ने क्या बोला था कि आपके एडवाइजरी है, आप देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो लास्ट ईयर प्रमोशन मिल गया था बच्चों को। इस ईयर जो गाइडलाइंस आई है, अब जुलाई 2021 में नोटिस आया है, उस नोटिस में यूजीसी क्या गाइडलाइंस दे रहा है हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, यूजीसी ने क्या बताया। भैया एग्जामिनेशन के बारे में यूजीसी ने बताया कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको एग्जाम देना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। आप पेपर पेन मोड में दो, पेपर पेन मतलब ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में दो, ब्लेंडेड मोड मतलब कुछ पेपर आप ऑनलाइन ले सकते हो, कुछ ऑफलाइन ले सकते हो, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रही है, ठीक है। ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन ही लेने हैं, ऑनलाइन ही लेने हैं, ठीक है। ये यूजीसी पर, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया है फैसला कि आप कैसे एग्जाम लोगे, ठीक है। तो अगर हम इग्नू की बात करें तो इग्नू कैसे एग्जाम ले रहा है, पेपर पेन मोड में ले रहा है, ऑफलाइन मोड में ले रहा है, ठीक है। आई डोंट नो इग्नू ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। हालांकि हम सब लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि इग्नू को ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना चाहिए, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतनी नहीं कर पा रहे, अगर करते तो शायद इग्नू को मजबूरन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना पड़ता, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, आपको एग्जाम देने हैं ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, एग्जाम आपको देने ही है फाइनल ईयर के, ठीक है। अब यूजीसी कहता है कि भाई 31 अगस्त से पहले आपको एग्जाम देना, एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, 31 अगस्त के बाद आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो इग्नू की तो डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट के रिगार्डिंग में वीडियो बना चुका हूं, जिसको जिसने नहीं देखे देख लें, और जिसको अपनी डेट शीट नहीं पता वीडियो में कमेंट कर देना, लिंक में दे रहा हूं वीडियो का, ठीक है, आप देख लीजिए, जिसके और जिसकी डेट शीट नहीं पता मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, कि फर्स्ट ईयर बच्चों और सेकंड ईयर बच्चों का क्या होगा, क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा कि एग्जाम होंगे, ठीक है। अब अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन में साफ साफ बोला है कि आपके ऊपर, ये आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी कि
गाइडलाइन में क्या लिखा है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर और फाइनल, इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर के जो बच्चे हैं उनको आप प्रमोशन दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं है गाइज, मैं आपको फिर क्लियर बता देता हूं, काफी बच्चों को डाउट हो रहा है, काफी बच्चों को क्वेरी हो रही है, काफी बच्चों के बीच में रूमर्स हो रही हैं कि हम प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। जुलाई वाले जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में है और सेकंड ईयर में बच्चे वो प्रमोट अभी नहीं हुए हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है कि कंपलसरी आप प्रमोट हो गए, ठीक है। नोटिस क्या है कि आप प्रमोट हो सकते हो, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन देंगे या नहीं देंगे। वो यूनिवर्सिटी की जब मीटिंग होगी अगस्त या अभी अगस्त चल रहा है तो अक्टूबर या सितंबर में इग्नू की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपको इग्नू क्लियर कर देगा कि हम प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हालांकि लास्ट नोटिस में जो अभी लास्ट नोटिस आया था इग्नू एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिसमें इग्नू ने एग्जामिनेशन गाइडलाइंस जारी की है, उसमें इग्नू ने साफ साफ बताया है, क्या बताया है कि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले के। कब होंगे, दिसंबर 2021 में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। ये क्लियर बात है, डाउट नहीं रखना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्जाम होंगे, कब होंगे, दिसंबर 2021 में होंगे, अब तक जो नोटिस आया है। हालांकि इस गाइडलाइंस के बाद इग्नू कोई नोटिस नहीं आया है, आगे कोई नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम ये न्यूज देते रहेंगे इग्नू के बारे में। दूसरे में बात करते हैं, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे फर्स्ट सेकंड ईयर के एग्जाम, अभी जो नोटिस इग्नू का है उसके अकॉर्डिंग होंगे, कब होंगे, दिसंबर 2021 में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रमोशन एग्जाम का आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी सेमेस्टर है उससे भी सेम एप्लीकेबल है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, फ्रेश एडमिशन, ठीक है गाइज। जो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे इग्नू के अभी एडमिशन निकले हुए हैं जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, ठीक है। लेकिन अभी यूजीसी ने क्या गाइडलाइन जारी की है कि भाई 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट तो आया ही नहीं है, आप एडमिशन कैसे ले रहे हो, ठीक है। एडमिशन आप कब लोगे, जब 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, यानी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर जो भी स्टेट लेवल बोर्ड्स होते हैं वे बोर्ड्स अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं, उससे पहले एडमिशन नहीं ले सकते, क्लियर कट यूजीसी ने बोला है, ठीक है। तो जो बच्चे एडमिशन इग्नू में लेना चाहते हैं वो अभी वेट करें अपने रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद वो एडमिशन ले सकते हैं, डेट एक्सटेंड हो जाएगी, जो अभी 31 जुलाई डेट है लास्ट डेट एडमिशन के लिए, फ्रेश एडमिशन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर क्लासेस, जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कोविड की वजह से लेट हो सकती है 18 अक्टूबर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एडमिशन कैंसिलेशन। एडमिशन कैंसिलेशन में क्या है कि अगर आप 31 अक्टूबर से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, और अगर आप 31 दिसंबर से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपके 1000 रुपीज मैक्सिमम डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप 5000 फीस होगी तो आपको 4000 मिलेगी, और अगर आप 31 अक्टूबर से पहले कैंसिल कराते हो तो पूरी 5000 आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो यूजीसी ने ये गाइडलाइन दी है, जो भी यूजीसी के अंडर जितने भी इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी की गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी पड़ती है और उनको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इग्नू के लिए दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। दो क्या है कि आपके फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, 3 अगस्त से हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर की जो है और सेकंड ईयर की डायरेक्शन क्या दी है गाइडलाइन में कि आप प्रमोट कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो भी बच्चे हैं, अगर उनके एग्जाम अभी होने थे तो उनको क्या कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए। लेकिन इग्नू ने अभी प्रमोट के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन नहीं दी है, कोई नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने अपने लास्ट नोटिस में क्लियर बोला है कि आपके एग्जाम होंगे, कब होंगे, दिसंबर 2021 में, ठीक है। तो अगर प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है, उसके लिए आप इंतजार कीजिए। अभी के लिए फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी करें जिनका एग्जाम दिसंबर 2021 में होना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, रूमर्स पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है कमेंट कर दीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो,
एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल OU क्लास फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. टेक केयर. बाय बाय.